जांजगीर चांपा पुलिस ने दोहरी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। वारदात बाराद्वार इलाके में हुई थी, जहां पुलिस को नहर से दो अज्ञात लाशें मिली थी। तहकीकात में सामने आया कि महिला से छेड़छाड़ करने की कीमत मनचले को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्या है हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी, रिपोर्ट देखिए। जांजगीर चांपा के दोहरी हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाई हत्या की पहेली। छेड़छाड़ से परेशान महिला के प्रेमी ने रची थी साजिश। मनचले और उसके साथी को उतारा मौत की खा। जांजगीर चांपा पुलिस ने 12 घंटे में दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वारदात बाराद्वार थाना इलाके की है, जहां गुरुवार को नहर में दो अज्ञात लाशें बहती मिली थी, जिसकी शिनाख्त करते हुए पुलिस ने कातिलों को भी दबोच लिया और हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। पूछताछ पर इन्होंने अपना अपराध कबूल किया है और ये पुरानी रंजिश और के कारण किया गया है। इन चार आरोपी हैं, चारों के द्वारा ही पहले से ही षड्यंत्र रचा गया है और उनके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। जब पुलिस को लाश की सूचना मिली, तब मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन में पाया कि हत्या धारदार हथियार से की गई थी और लाश को नहर में फेंक दिया था। जब पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त की तो पाया गया कि एक का नाम दिलीप कुमार पांडे जबकि दूसरे का नाम तीरथ राम खांडे था। जब पुलिस ने मृतकों से जुड़े दोस्तों दुश्मनों के तार खंगालना शुरू किए तो चंद घंटों में ही हत्याकांड की पहेली सुलझ गई और आरोपी पकड़े गए। कोई वहाँ से फोन करके बताया कि इधर रात में कुछ हल्ला धक्का हाव झाव हुआ है करके। अच्छा। तब हम लोग को पता चला तो दो जने भाई गए थे वहाँ, फिर हम लोग गए, फिर पुलिस वुलिस को फोन करके बुलाए वहाँ पर, फिर उनका चप्पल देखे, ब्लड व्लड दिखा वहाँ पर, फिर वहाँ पर मिलने की बात आ रही थी। हाँ, लॉकेट मेरा भाई का छोटा वाला पहना था, उसको वो लॉकेट का जो ऐसा लॉकेट पहना है वो एकदम पीछे साइड से पूरा बराबर कटा है सर, वो उससे हम लोग को ज्यादा शंका हुआ और ब्लड भी मिला और पीछे साइड का कुछ हड्डी का टुकड़ा मिला हम लोग को, फिर पुलिस भी पहुंचा वहां पर। पुलिस ने हत्याकांड के आरोप में विजय कुमार रात्रि समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक महिला सरस्वती सूर्यवंशी भी शामिल है। पूछताछ में सामने आया है कि सरस्वती और विजय के बीच प्रेम संबंध थे, जबकि दिलीप कुमार खांडे अक्सर सरस्वती से छेड़छाड़ करता था। इस बात को लेकर विजय और सरस्वती के बीच विवाद भी होता था, इसलिए चारों ने मिलकर दिलीप की हत्या की साजिश रची और मौका हाथ लगते ही साजिश को अंजाम दे डाला। बाराद्वार के नहर पार में जो जयपुर जाती है वहां पर उनके चप्पल और कुछ खून के निशान मिले थे, जिसकी सूचना पर थाना स्टाफ यहां से गई हुई थी और नहर पे कुछ रगड़ के निशान थे जैसे मोटरसाइकिल के गिरने के, तो स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उनको सर्च कराया गया था, जिससे एक मोटरसाइकिल और दिलीप खांडे और तीरथ राम खांडे के बॉडी को मोटरसाइकिल से रस्सी साड़ी और गमछे से बांधा गया था, इसको निकाला गया। पुलिस के मुताबिक वारदात वाली रात को दिलीप कुमार खांडे अपने साथी तीरथ राम के साथ बाइक पर नहर किनारे जा रहा था, तभी घात लगाए बेटे विजय, दिनेश बंसल, गोपाल बंसल और सरस्वती ने दोनों पर हमला कर दिया और हत्या के बाद लाश को नहर में फेंक कर फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने घटना के 12 घंटों में ही आरोपियों को धर दबोचा और दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया। हवालात के लिए जांजगीर से रवि गोयल की रिपोर्ट।